कि जब कौन सी मोड़ी भेज दी तुमने, ब्याह तो कनु और मोड़ी से करवाओ तो। अब क्या करो जाए, मैं तो शांत बैठी। दूतिया भी रख ली मैंने, मेकअप को सामान भी धर लाओ, चप्पले बाएं धरी। हाँ का बताओ सही में, मोहिया पूरा घर सामान नहीं आओ, मैं और मोह दद्दा है तो है ही। बाई पहली भगवान हा प्यारी हो गई थी, अगर बाई होती ना तो बेई सबरों काम कह देती और बैग लगा देती। चलो अब सामान तो मैंने धर लाओ है। बेटा तैयार हो गए? हाँ दद्दा। हाँ। तुमने मोहनराज से तैयार हो भी किलाने बोल दा, तैयार हो गई, बैग भी लगा ला और बिलो भगवा तो आई नहीं है। आओ तुझे बेटा, अपनी तरफ से लेट ना भाव चाहिए, आओ तुझे रिश्तेदार। तो जल्दी आ जाते हैं, देखियो मैं सुबह से तैयार होके बैठ गई। नहीं तो कछु नहीं आया जात, रुको तो ना घोर। सुनो बेटा, कछु बुरा ना मिलो चाहिए। हाँ दद्दा, कछु भी तो मैं सुनबे को मौका ना मिले, ना कछु सुनबे मिले। हाँ वो जैसा जैसा समझा था वैसे ही करियो, ठीक है? हाँ दद्दा। आओ राम 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 साहब। राम राम। और बढ़िया? सब बढ़िया है। हम इंतजार कर रहे थे, अंदर चले गए थे। अच्छा आज अंदर बैठ गए थे। अरे बस तना बस आज लेट हो गई, तो तुम्हारे तो तना नहीं के आने आओ, तो चक्कर में लेट हो गए। माले कछु भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दियो। अरे कैसी बात है, अंदर चले गए थे इंतजार कर रहे तुम लोग। अरे नहीं नहीं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, काहे की भूल चूक हुई है, हमारी बिटिया जैसी तुम्हारी बिटिया सो हमारी बिटिया, हम तो बस लोहा भी आए अपनो घर आए, कौन बाहर को घर आए। सुनो तो हाँ। लेकिन तना जल्दी कर दू, तैयार बैठी, तैयार बैठी। हाँ तो फिर जल्दी कर दू, अभी ना करो। हाँ बेटा चलो आगे रिश्तेदार। हाँ चलो चलो आ गए। हाँ ठीक है मालिक, तो फिर हम और करिए फिर। वो मालिक तनक ध्यान दियो, बेगा मत आएगी बिटिया है। हाँ हाँ। तो भूल चुक हो जा तो हमें बता दियो पहले, वो मारियो कूटियो ना। अरे मालिक देखो, थोड़ी हम गरीब परिवार से है ना थोड़ी। अरे है सुनिका ने गरीब और बड़ो को नहीं है, तुम्हारी बिटिया सो हमारी बिटिया है। हाँ हाँ, जैसे ये तेरा ने सो तेरा ने कहा, कौन परेशानी वाली बात है। वही मालिक तनक। हाँ अरे हम समझे थे, तुम आओ देखो तुम्हारी बिटिया सो हमारी बिटिया, कौन पर आई थोड़ी है अब, लेकिन हमें जान दो, अब इन्ना करो। तको तो इन्ने पानी आनी तो पियो ही नहीं है, और ना दद्दा ने पूछी ना मोहिया ध्यान रही पूछबे की। अब क्या करो जाए, अब मैं सोनी सासरी में जाके सुनाने लगे कि देखो तो जी तो ऐसे यहाँ है, पानी यहाँ तक नहीं पूछा था। चलो तब चलिए, मालिक तरफ ध्यान रखियो, बेगा मताई की बेटी जाए। अच्छा तो अरे तुम सुनो तो हाँ। बिल्कुल परेशान ना हो, मोरे मन को भी आओ भाव, मोरे भैया के मन को भी आओ भाव, तो समझ लो तुम्हारी बिटिया हो हमारी बिटिया, तो घर है बिल्कुल ऐसा आने का हाओ, कौन परेशानी वाली बात नहीं है, हम और बहुत खुश हैं और बहुत खुश रख भी हम, ठीक है? आप परेशान? अरे हाँ बिल्कुल परेशान नहीं होने, चलो तो बेटा चलिए। दद्दा सुनो तो, जो तना बहू खा गठजोड़ा बांधा ही बांधो तना। हाँ बांध, चलो तो चलिए, ठीक है मालिक, तो जय राम जी के, चलिए चलो भैया चलो। भगवान मुझे हल्की बिटिया खुश रहा है, जो मुँह से गलती हो गई तो हो गई, अब का बताओ सही में, मुँह तो भाई टेंशन हो रही, मुझे बड़ी बहन भग गई है और बड़ी बहन के जगह पे मुँह पहुँचा दो ससुराल है, अगर इन्होंने ना पता चले ना कि जी सब ब्याह भाव तो बानो ही जब मोड़ी जी आ जाने का करें। राम दी सही में, मुँह तो भाई टेंशन हो रही है, सोनी जी मुँह दद्दा खरी खोटी सुना डाने, कहूँ गुस्सन में मार डाए तो मोरो का हुज्जे। हाँ राम दी अब वो तो जाई के पतो चले कि का होत, लेकिन भगवान तुम संभाल लज्जो सब कछु। चलो माँ जल्दी जल्दी चले, चलो ज्यादा घाम ना हो जा।
ओ भैया बैठ जाता ना बेटा, तुम भी इतना ही बैठ जाओ। अब देखिए दद्दा भाई और है नैया, अब बड़ी भाभी घर चली गई अपनी, कातिम और मम्मी की तबीयत खराब हो गई अस्पताल ले जाने। तो अब देखिए पानी यानी उतारे हैं को यानी मैं खुद उतार दे, ठीक है? हां तो बैठो तो ना, मैं ले आऊं तो पानी। भैया तुम्हारे भी इतना बैठो है। राम जी मुँह तो इतनी टेंशन हो रही, का बताओ ऐसो नी जो मुँह इसे कल देखे हो खाए से बाए ने खा देवे मुँह तो सही में, मैं का करो का ना करो का बताओ सही में। अब मुरी मजबूरी तो आ है दद्दा की इज्जत जो बचाऊ ने, अगर जो देना मुँह बड़ी मेन मिल जाए ना मुँह तो सही में है ना उसकी खुपड़िया अलग कह देना धड़ से, का बताओ सही में। खुद तो भग गई और मुँह फंसा गई, अब मैं ना फंसी फंसी फिर रही, अब मुँह यहाँ जो घर से ना निकाल दे मैं सुमें ना गेल की बचो ना घाट की। बैठ जा बेटा रो ले चलो तुम ले तना, चलो भैया उठा लो बैग उठा लो तना, चलो बेटा निकल चलो घर अंदर चलो। अच्छा मैं जो कहा तो बेटा क्या तुम जाओ सो आराम करो तना, वो शाम को खाना पीना को देखो है ना, बात तो है नहीं है बड़ी भाभी सो तुम्हारे देखो, और भैया रो तुम्हारे देखियो वो बड़ी भाभी तो है नहीं है सो अब चाय पानी की तो मैं नहीं कह सका भाई, जो छोड़ लो मैं दिक्कत नहीं। हाँ हाँ छोड़ लो, अब तो मैं रख दई अंदर मेयर के कमरा में। हाँ हाँ चलो जा सो तुम आराम करो, ठीक है? ठीक है हम भी चला जाओ, तो तुम शाम के आज लेकर खाना खावे के लिए शाम के खाना पीना बनवा, ठीक है? राम राम भैया, ठीक है तो तय भी आराम कर ली जो रखे हो। हाँ हाँ रख, ठीक है। मो तो राम दी भाई डर लग रहा हो, जैसे ही जो मो घूंघट उठने ओ का कने उ दिन ओना मो इसा कर देखने सो बहुत बड़ो तमाशो खड़ा हो जाने, कहूं या सोनी लड़ाई दंगा होया ने बढ़ जावे सो मो इधर दहा मा पी डाने जियो है कि जब कौन सी मोड़ी भेद दई तुमने, ब्याह तो कनु ओए मोड़ी से करवाओ तू, अब का करो जाए मैं तो शांत बैठी। काय थक गईगा थक गई हो तो मैं बना लिया चाय, तुम बैठो है ब्याह से पहले थे बोलत थी, अब का हुआ? अच्छा बोले मोसे के नहीं चाय गई मैंने चाय चाय बना लिया हो के नहीं जाना चाय, आओ मुड़िया तो हला दी, वो जो घूंघट का है इतना लम्बोटा है गर्मी में, पंखा तो चल रहा घूंगी है का ऐसे मुड़िया कहा हला मोसे बोल का सुने थे मोया गुस्सा आ रही थे ले सब। और जरा भैया ए ते को से आ गई ते बैंड कहां है तोई बड़ी, अब मौसा बोल कछु बैंड कहां है ए दद्दा ने ऐसा धोखो करो तोरे, अब बता कछु बड़ी बैंड कहां है पूजा कहां है, अब बता कछु मोया नदवा खराब हो रो, हमें नहीं है पतो कैसा नहीं है पतो, जो सब ड्रामा जो कछु चल रहा हो मोए सब कछु बता दे नहीं तो मोए गुस्सा आ रही है, बता जो सब हो कैसा रहो भगवान देखो तुम हाथ छोड़ो कछु नहीं करने चलते तो भाई चलो चल अब होने सब कछु नहीं करने ते आई गए गायब हुए चल छोड़ो मैं मेरे बात सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो मेरे को चल भाई जाए तेरे काका सौदा है वो काका रहा है देखी करने का होगा का होगा ते पगले आ तो नहीं मोए संगे मेरे को ना इंसाफी भाई ये कात सर दिमाग खराब मो होगा दिमाग खराब पूरो तसल्ली रख पहले धीरज रख शांति से बता गुस्सा ना हो दो चार तो मैं दे हो ना तो
तोरे पसंद को ब्याह भाव तई ने कही है इतनी खुशी खुशी ब्याह होगा सब जने खुश है। अब तेरे का फालतू होगा भैया मैंने मुआ देखो हल्की बहन आऊगी बड़ी बड़ी देखा तू मुआ ब्याह हल्की बहन है पूछ ले खुदे पूछ ले मुआ होगा दिमाग खराब है नहीं है। ओ बाप रे अब हम कहाँ करिए एक दिन अभी नहीं कुछ रुआ और जो तम सवा भाई से होगा जो कात के बता उनकी छोटी बहन है अब मैं कहा बोल दो कहा ना बोलो चुप खड़ी रहा हूँ कि कछु बोलो मो तो कछु भी समझ में नहीं आ रही कहा करूँ मैं नाम पूछ भैया हाँ मैं पूजा ही तो आप जवाब नहीं दे कहा बेटा भैया कहू के छह चंद में ना आएगी नाम पूछ ए नाम पूजा ही तो बताऊ थे रे पूजा नहीं हाँ पिटिया आयोगी हल्की बहन आप कहा बेटा कहा नाम रोग थे बता बेटा कहा ना तुम आओ देखिए कितने शासन कर रही तुम भैया एक काम करो उनको मुंह देखो ते पगला तो नहीं हो रे मैं जेठा कैसे मुंह देख ले हूं ए तो आवाज से छीन लो मुंह नहीं देखने तो बुलवा तो लो कछु ले हल्ला ना कर सांद्रा देखो बेटा तुम सही सही बता दो देखो कहा है जो अगर आप सही बता दे तो ठीक हो जाए नहीं तो तुम देखो बहुत बुरा हो जाए सही बताओ के कहा होगा कहा जो ड्रामा चल रहा हमारी कछु समझ में नहीं आ रहा भाई साहब हम प्रिया आए प्रिया हाँ। ओ बेटा जो तुमने काय करो ये सो हमने का करो हमने तो कछु भी नहीं करो को तो मजबूरी है मजबूरी ने हमसे जो सब करवा लो तो मजबूरी का नहीं बताओ क्या ऐसी का मजबूरी आ गई थी बेटा के तुम्हें आऊं नहीं आओ थे अब तुम बताओ हमारे का हुई है मोहल्ला भर में बदनामी हुई है ऐसा होता कहूँ ब्याह कौन से कराओ पोछा कौन दो भैया तो लगा फोन लगा मैं करूँ यही माने इको बाप और जा यार यही माने तुम्हारे बाप का ऐसा ना करना चाहिए तू लगाते फोन लगा यही तो बाप हाँ जी तुम्हारे कछु न करियो कछु न करियो अरे अब ऐसा समझ जाते तो काका ने तो ऐसी बहू नहीं हमें चाहने ना हम रात पहली देखो भाई साहब ऐसा ना कहो हमारे दत्ता के बारे में उल्टी सीधी बातें ना बोलो तो हाँ तुम्हारे दत्ता ने ऐसा करवाई है देखो तो दत्ता ने पूछ लो वही बोल दे देखो तो बेटा हम ना रखते भी ये सब तुम्हें अपनो बैग एक लगाओ चलो फिर हाँ भाई साहब ऐसा ना कहा आप देखियो गरीब खानदान से आए कांजे हैं भूले भटके और वैसे भी हमें अपनी बात समझा भी को तना मौका तो दो कछु नहीं सुनना मोए भज्जा ई की निगाह मोए ऊपर हाथी पहला हूँ से हाँ देखो तुम्हारे बाप ने बहुत गलत करो बेटा तुम्हें तो आवा ही ना चाहिए तुम्हारी बड़ी बहन भैया यही से पूछो यही पता हो ये बड़ी बहन भाग तो नहीं गई है कहाँ है हमें नहीं पता भी कहाँ नहीं कैसे नहीं है तुम्हारा पता तुम घर ही नहीं थी तुम्हें सब पता है सब पता है ये सब पता है बता जल्दी कहाँ है नहीं तो अपने बाप को मिला देखो हमारे दत्ता के बारे में ना बोलो कछु भी उल्टो सीधो दत्ता के बारे में उल्टो सीधो ना बोलो तुम्हारे बाप ने जो उल्टो सीधो करा के धर दो सही है हमें भैया ये राग रहनी है जाते अपने बैग पैक पैक कर जा घाय जा अपने देखो भाई साहब हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं तुम कहा तो हम पाँव भी पड़े हाँ देखो बेटा जो सब कछु ना करो बिल्कुल नहीं है ना जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है देखो भाई साहब हमारी तो मजबूरी थी अरे ऐसी का मजबूरी थी के बता तुमने हमारा पूरा ना को मा करवा दो जो सब कुछ अब मोहल्ला वाले सुने हमारी काय में तो फोन लगा पहले इनके बाप का फोन लगा का बताओ सही में मोई बड़ी बहन ना भगी होती ना तो दद्दा की इज्जत के लाने मोए ते ना आने पड़ दो खुद तो भग गई और मोए फंसा गई का करो जाए का ना करो जाए अब मैं जो घर छोड़ के भी नहीं जा सकता जो तो तू ले भगा बेबे की भग जा लेकिन कैसे जाओ मैं घर छोड़ के दद्दा की इज्जत इज्जत को सवाल है दद्दा की इज्जत तो माटी में मिल जाए और वैसे भी दद्दा हाँ तो मैं वचन दे के आई थी कि मैं निभा हूँ चाहे जो कछु हो जाए लेकिन इज्जत बचाओ तुम आई दो वाला फोन लगा लो भाई क्या उठाओ धनिया ही को बा फोन नहीं उठाता है हाँ बता कितने बेईमान आदमी है यार हमारी समस्या बाहर है हम तो सोचते चलो गरीब आए मां इनको दिल बड़ा होता आदमी का आते बताओ जो दिल बड़ा हो के ब्याह कौन से कराओ पहुंचा कौन दे बेईमान है इनको पूरा घर धोखे बाद हाँ इनको खानदानी मुंह दिखा बेईमान है देखो भाई साहब ऐसा ना कहो बेटा आप कैसो कही है तो हमें बताओ कैसो का है तुमने तो हमारी पूरी नाक कटवा के धर दी भैया मुंह ही देखने की शकल और मैं जा रहा बाहर इनको फेंस लो कह दो जो कहीं ने हुए तो मुंह की शकल नहीं देखने फैसला काकन ने कहा उनके बाप का बुलाओ और बस पहुंचाओ काका इत का इतने बड़ी बिटिया से ब्याह करो छोटी बिटिया पहुंचा दई ऐसे में आदमी हमें ना उधर है बिल्कुल नहीं लगने बेटा तुम अपना बैग लगा नहीं तो अपने बाप का बुलाओ जैसे भी बुलाने हुए
देखो भाई साहब, तुम तो ना टाइम दो, हमारे दादा और ढूंढ रहा है बड़ी बहन, आ जैसे मिल जाए तो सब ठीक हो जाए। हमें बिल्कुल टाइम नहीं देना। देखो बेटा, तुम तो अपने इज्जत से बैग उठाओ और तुम अपने घर जाओ। हम नहीं चाहता है कि छोटा भैया आ जाओ तुम्हें मार कूट के भगावे या इज्जत से बेइज्जती से भगावे, सो हम बिल्कुल नहीं चाहता। यही से आप इज्जत से जाओ, निकल जाओ। देखो भाई साहब, हम तुम्हारा पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे सामने। कोनो जरूरत नहीं है ना पाँव पकड़ने की ना हाथ पकड़ने की। देखो भाई साहब, तेरा टाइम दो है, उसके बाद तुम्हें जो करने आ करियो। हमारा नहीं है बिल्कुल टाइम नहीं बेटा। देखो अपना बैग उठाओ, तुम तो जाओ। भाई साहब प्रेम करो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे दद्दा की इज्जत को संभाले। तो मैं अपने दद्दा की इज्जत दिखा रही, हमारी नहीं दिखा रही है। भाई साहब एक मौका दे दो, एक मौका सिर्फ है, बाकी सब ठीक हो जाए। कछु ठीक नहीं होने है बेटा। देखो तुम रही हमारे माफ करने की, तो हम तो लो करें दई, हमें कोई परेशानी है। लो जा बेटा तुम अंदर चले जा, लेकिन हम हल्के भैया की नहीं कही था, वो माफ तुम्हें करे और ना करे, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ तो लो जा, पर हमने तो माफ कर दो, पर तुम्हारे बाप मताई ने बेटा जो बहुत गलत करो, ऐसा थोड़ी करो चाहिए। देखो तो करो को उनने वो भगत में रही, उनने कितनी खरी खोटी सुना दी। चलो मुए तो ठीक है, मुए दद्दा हाथ तक नहीं छोड़ोगा। जिज्जी की है सबरी गलती, जब भग नहीं तो उन्हें सो बता देती कि मैं ते जा रही ते भग रही, तो जो सब तमाश हो तो ना हो दो। अब बता दद्दा की इज्जत के लाने में तो ऐसे आ गई, लेकिन मुए नहीं लगाता कि जिस ससुराल वाले मुए स्वीकार करें। वो आदमी तो वही कह रहा था कि भाग जा जा भाग जा। कहाँ करूँ सही में, मैं बिद गई। अब मैं भाग भी नहीं सकता, जो घर छोड़ के मैं नहीं जा सकता कहूँ नहीं। अब बताओ, अगर मैं घर छोड़ के चली जाऊँ ना, तो मोर दद्दा तो कहूँ को ना रह जे है, दद्दा तो फांसी लगा के मर जे है। मो तो सबसे ज़्यादा दद्दा की टेंशन है। बुढ़ापे में हुआ इतने दुख झेलना पड़ रहे हैं, कहाँ बताओ मुई वजह से और जीजी की वजह से। बेईमान बाप की बेईमान बिटिया निकली जा। जो नना मोजे था तो गए गो ना, मैं देख रहा। लियो पानी पी लो। तो एक अलग हाथ के ते पानी दे दो, मैं पी लो हैं ते मु मना ले। मैं तो अब तू हाथ को पानी नहीं पी सका, सुन ले मु तो एक बड़ी बेन साजी लगा दी ते नहीं। भैया ए भैया काज जा, कहा होगो कहे परेशान है, जा भाई। कहा कर तो अब लोग गई जाइए के बाहर। ए ना जान देते ते, मैं तो एक बात बताऊं तेया, ते कहा परेशान कर रहा हुए। जब हम भैया गए थे बाहर गए थे, हमने कही थी जब बाहर ई को फैसला कर, जब गए थे बाहर निकाल के ले जाओ यहां, तुमने अब लोग गए थे बाहर निकाल रही है। तो देख परेशान ना हो, पते का सोचत मैंने माफ कर दो, मैंने माफ नहीं करोगे, बस कछु दिन के लाने ते तसल्ली रखो, मैं गम मखा रहो। लेकिन भैया मुए ई के सामने तो गाओ नहीं जात बिल्कुल। ते बिल्कुल तसल्ली रख, जब लोग की बड़ी बहन मिली नहीं है, कछु दिन में मिली जात ना, सो सब ठीक भाव जा रहो। ओते हुई है फैसला अदालत में, एते ना हुई है, लेकिन ते कछु दिन गम मखा ले बस। बड़ी बहन को भाग में भैया ई को हाथ हुई है। अरे यार जी को भी हो, मो तो दया आ गई, बा हाथ पांव जो रखती, सो मैंने कही चलो माए ठीक है आए तो बिटिया ही माए, लेकिन अब कछु दिन गम मखा तो तुम्हें दया आ सकत भैया, बिल्कुल हमें बिल्कुल दया ना है। हाँ ठीक है, तब परेशान ना हो, कछु दिन भर गम खा जा। लेकिन भैया मैं तो इसकी शक्ल ना देखो। हाँ ठीक है, जा लो बेटा, जो बैग धर दो अंदर तुम, लो जाओ। हाँ जाओ ना, कहाँ ना कहाँ कहाँ चली जाओ, जा बाहर चल बाहर, उठा बैग। हम तुम्हारे पाँव पकड़ रहे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे, बात तो सुनो तुम हमारी। तो बाप ने मुझे सब गद्दारी करी, तो पूरा घर बेईमान है। देखो ऐसा कछु भी नहीं है, मोह दद्दा तो अब जो भी हो रहा तो सो होगा, वो तो हो नहीं है। दद्दा को कहाँ हाथ हुए, जो मैं धाले मूड पे निकाल जा रहा था बाहर, जा मुझे बात तो सुनो। देखो एक मौका दे दो, हमारी बड़ी बहन आ जाए तो सब ठीक हो जाए, फिर हम चले जाए घर छोड़ के। ना जो तो हुआ पता है कि भगा हुआ तेने है, बड़ी बहन को भागने में तो हाथ जो बता दे मुँह के बाहर कहाँ।
देखो मुँह नहीं है पतो भी कहाँ गई, मोर कछु भी हाथ नहीं है, मुँह तो पतो तक नहीं है कब भग गई। यही ब्याह के पहले मैंने तो एक बड़ी बहन से धनवाद पूछी थी कि तुम्हारा बाबू वहाँ चक्का है तो चलो है बा भाग कैसा सकत मुँह तो जो समझ में नहीं आ रहा, और मुँह तो वो बहुत पसंद थी और वहाँ भी मैं पसंद है तो है बा कैसा भाग गई मुँह का पता मुँह कछु भी नहीं है पतो और किया पता है दफे देखो वो तो समय की गलती है समय खराब चल रहा हो अब तुम्हारा समय खराब चल रहा हो तुम जाओ बाहर भाग लो तुम तो भाग जा मारो देखो ऐसा ना करो हम काले हैं तो हमें एक मौका दे दो हम इस शादी निभावे की पूरी कोशिश करें तो अपनाओ कीने हैं जन तो ऐसे छा छंद वाली बातें कर रहे मोहिला अब बताओ मैं मोरी का हल्दी मैं तो अपनी दद्दा की इज्जत बचाए के लाने आ गई थे तो हमारी नाक कटवा दे है गए तो मोई बात तो सुनो एक मौका दे दो सब ठीक हो जाए मौका का दे तो मो तो ही बड़ी बहन पे आई लगत ते लगत का सुन या तो ते अपनी बहन को मो पता बता दे है या तो फिर टटा जाए जैसे मोई नहीं आ पतो भी कहां गई कोवा बता के तक नहीं गई यहां ए भाग मां तो से तो बात ही का वो बेकार है हम क्या करिए सही में गलती को और की है और पिस रहे हम मैं भैया तू है बयान गुस्सा कहे का होगा तेरा फैसला का नहीं करू ये तो ले ले रहा मैं फैसला तो कहे ज्यादा परेशान हो रहा मैंने अभी उसके बाप का लगाओ फोन उसको बाप आ रहा हो सो ये तई बात हो रही तो टेंशन ना ले बस बताओ बिटिया कहाँ है वह जोन से मोर ब्याह भाव तो ताऊ जी तुम सही से बताओ मालिक हमें खुद नहीं है बिटिया कहाँ गई ने कुंगो बताओ उन्हें हमने लेकर सब रिपोर्ट दस तुमने सब करा दी प्लस में उन्हें कुंगो बताओ ना हमें बताओ कम से कम हमें नहीं बताई तो अपनी बहन तो बता दी थी मालिक साहब वो ये तो मोहल्ला का ना हमारे तो पता चल जाता ना कट जाती फिर तुमने तो पहुंचा था ही देखो तो बचाओ माता दादा कैसे हाथ पांव जोर वे लगो इनके सामने लेकिन इन्हें इन्हें दया नहीं आ रही है जी माफ नहीं कह सकता देखो भाई साहब हम तुम्हारे आगे हाथ पांव जोर रहे हमारे दादा कछु भी ना कहो तुम हम तुम्हारी जिंदगी बस सेवा करने के लाना तैयार है लेकिन हमारे दादा बस ना कछु कहो तुम उल्टी सीधी बातें ना सुनाओ ने हमें बिल्कुल नहीं सुननी है सदा जी तुम उठो हो जाओ बैग एक उठा के ले जाओ इनको अरे बेटे यहां सुनो कहो बेटे यहां सुनो करो काय ना करो भाई साहब तुम तो समझदार हो एक मौका दे दो हम अच्छे से निभाएं जा शादी कोनो शिकायत को मौका ना दे है तुम्हें ना जी के संगे भाव रे पानी उके संगे रहिए के ना रहिए तसल्ली रख रुक जा शांति से बैठ बैठ के बात हम दे ओ काय तुमने जो बताओ बैठो थी बैठो पहले तुम बैठो एक बात बताओ तुमने बिटिया से पूछी नाती का कि बेटा तोरे पसंद को है लड़का के नहीं हमने मालक उनसे सबका जो पूछी थी बिटिया से उन्हें कही थी हमें पसंद है लड़का तो फिर काय भाग गई भैया माने तो मोड़ी की पसंद को ब्याह हो तो दो जने का एक पसंद कर रहे थे बाबा पसंद ही गलत होते तो बा काय का भाग जाती देखो सुनो रिश्तेदार हमारे थे दो जने का पता लग गया मोहल्ला में के ऐसो ऐसो हो रहा इनके घर में अब तुम बताओ हम क्या करिए ये तो मालक ने भालो जैसी बड़ी बिटिया थी वैसे जा है तुम्हारा सबका जो काम धंधा सबका जो करे जो तुम करवाओ अरे तो हम तो खूब निभावे तैयार हैं जी के संगे राम है वो तो मान जाए बिल्कुल नहीं सदा जी हमें तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनने बेटा मान जाओ हमें सदा जी बिल्कुल नहीं सुनने तुम्हारी बिल्कुल बात ठीक है अब ना तो हमें जा रखने और ना बाहर रखने को ही ना रखने सब जहाँ धोखे बाज हो बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास हम जब से सुन रहे हैं हम सुन रहे सुई को मतलब कहा कि सुनाओ जाओ है बस बहुत होगा हम अपनी दद्दा की बेइज्जती और नहीं करवा सकती घर में ठीक है दद्दा ऑटो चल रहा है आओ तो नवाजा जा नवाजा दद्दा ऑटो जैसे भी बने जा दद्दा जा तुम भाग जाओ हमारे कोच से तो अब नवाजा हमारे कोच से तो ऐसे दुनिया को मोह चला रही हो तुमने अपने घर की मुसीबत हमारे घर में पवार दी जा अरे बेटा तुम तो शांत रहो जिंदगी भर के रिश्ते नाते है जी नवाने आओ तो तुम्हारे आप लोग मान जाओ ना यदि बड़ी बिटिया थी वैसे ही जा है
तो जब तुम्हारे बात हो कई बार आई थी ना तो पूरी जिंदगी भर आने संगे तनक तो दया कर लो तुम है देखो तो हम आदत है जब से हाथ पांव जुड़ रहा तुम्हारे सामने मादर का ने बहुत अच्छा नहीं कर दो मानव तनक मोए को हिल लो हम गरीब हैं तंगने भालू बिटिंग ऐसी बिटकी जाती ऐसे ही बा है ससुर जी हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें शर्म नहीं आई है तो कह तुम्हें अरे मालक हम पांव पाई तुम्हारे मान जाओ हां पांव निपन्ने खड़े हो तुम पहले ऐसी बिटकी जाती ये तो बाल बच्चे आप तो समझदार हो तनक निभा लो लेकिन देखो ऐसा रिश्तेदार करो नहीं जाता है मालक हमने जान बूझ के नहीं कहो अब बड़ी बिटिया ने गलती कही तुम्हारी हल्की बिटिया ना गलती दो हाँ हाँ सो रिश्तेदार देखो हमने तो जब ही तुमसे कही थी देखो तुम्हारी बिटिया सो हमारी बिटिया पर ऐसो करो ना चाहिए ऐसो करो अब बताओ नाक कट रही थी कि नहीं कट रही थी अरे नाक ना कटो मालक आप पर निभाने तो है ही है चलो आओ बैठ जाओ तो आओ ठीक है ठीक है बेटा तो तुम राम जी भाई साहब तुमने बहुत अच्छो करो सही में भाई साहब तुमने जो फैसला लिया बहुत अच्छो करो हम तो सही में जिंदगी भर सेवा करे घर को काम का सब का झुका रहे बिल्कुल इतना से शिकायत को मौका ना दे है तुम्हें आओ हाँ ठीक है बेटा आओ तुम तो हो गई हुई पूरे मानगी भैया मुझे अच्छू नहीं सुनने में तो कल दिल्ली जात भागो जात में अरे हाओ कौन नहीं जाता दिल्ली जात मुझे भैया मेरे को नहीं सुनने और कछु नही है वो तो हम समझा ले ठीक है बेटा तो फिर कछु देख लो काम धंधा देख लो ठीक है भाई साहब हाँ मालिक घर की दमान समझा ले मैं बिटिया माया कूट है ना अरे हाँ हम समझा पहले तो मैं बैठो आप सही है सही है सही अरे हाँ तुम सुनो अरे सुनो तो इतने बैठो तुम उठो तो अरे ठीक है हम हुए तो समझाई देवी तुम परेशान ना हो देखो हमारे लाए तो बाबिटिया हती सुजा बिटिया है हमें तो काम काज करवे वाली चाने दो टाइम की रोटी बनावे वाली चाने है ना मैं भी बेईगुन है और मैं भी थे तो हमारे लाए तो बेटा दो ही है देखो जी यही सब हम आपसे कह रहे हैं हाँ हाँ तो ठीक है तुम बिल्कुल परेशान ना हो है ना हाँ अब तो भगवान सब ठीक होगा बड़े भाई साहब ने सही में बहुत अच्छा फैसला लाओ अब बस भगवान तुम्हें साथ दियो हम आओ बढ़िया हमें इतनी हिम्मत दियो कि हम ईमानदारी से जो रिश्तो निभाए और बढ़िया घर चले हम आओ अगर सही में हम इतने ना होते ना तो हमारा दद्दा तो बिना मौत को मर जातो हेलो दोस्तों आपसे ही जाना राम राम पहुँचा है कैसी हो आशा करें सब जने बहुत बढ़िया हुई है दोस्तों आप आज वीडियो कैसी लगी बताइयो कमेंट में और ऐसी ना भग जाइयो वीडियो हाँ लाइक और चैनल ना सब्सक्राइब करें के जाइयो और हम है आपकी मिस प्रिया बुंदेली दोस्तों ये वीडियो में आप सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छो लगो कौन सा पार्ट अच्छो लगो जो जरूर बताइयो कमेंट में और वीडियो मनोरंजन और शिक्षा दोनों के माध्यम से बनाई गई है और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अपना अपना ख्याल रखियो बाय बाय और हाँ इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लियो मिस प्रिया बुंदेलखंडी नाम से अकाउंट है हमारा और जल्दी से फॉलो कर लियो आप मिल पे है तुम्हें जैसे जैसे हमने समझा था वैसे ही कर दियो बेटा ठीक है हाँ दादा ठीक है मालिक तो फिर हम और ने करिए फिर मालिक हारने का यार तो अभी जो कही के अब हम उन्हों इतना गरीब है लेकिन दिल तो हम बड़ो है अब ऐसा नहीं कैसा ना पानी है ना चाय को ना कछु और ऐसी भगा दो राम दी मुँह तो इतनी टेंशन हो रही का बताओ ऐसा नहीं जो हम ऐसा कल देखे और खाए से बाए निकाल देवे मुँह तो सही मैं का करूँ का ना करूँ और का बोल रहे मजबूरी ना होती ना तो मैं कहूँ ऐसा ना कहती ना ब्याह करवाऊती हाँ सही में मुई तो मजबूरी या है दद्दा की इज्जत जो बचाऊ ने बड़ी बहन तो है तो भाई चल चल भाई चलो चल चल अगर दद्दा की इज्जत को संभालना हो तो ना तो हम इतनी बेइज्जती ना सहते अपनी उनने कितनी खरी खोटी सुना दी भगवान मुई हल्की बिटिया खुश रहा जो मुँह से गलती हो गई सो हो गई तेरा काम है ये गई नहीं है बाहर तो से कहीं भी कैसे तो भाग जा मुझे रहे थे देखो वो तो समय की गलती है समय खराब चल रहा हो अब तुम्हारा समय खराब चल रहा हो तुम जाओ बाहर भाग लो तुम तो मालिक साहब कहा होगा मालिक साहब है कछुला नहीं होगा पूछ रहे कहा होगा